हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप बच्चे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और पता नहीं कितने बज रहे हैं, पहले टाइम देखो। रुको, ये देखो हमारे घर कितनी चहल की चिड़िया मचा रही है। और अभी बज रहे हैं, ये देखो पंखे पे भी बैठी है। अभी बज रहे हैं 9:10 हैं। और मतलब काफ़ी टाइम के उड़ गए। हमने सोचा आप ब्लॉग बना के दे सकते हैं आपको। और बताइए आप सभी लोग कैसे हो? देखना, पता है ना, तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। और मैं आज से आप ना आपसे एक बात कहना चाह रही थी। आज हम जाएंगे अमरोहा। परसों आपने मेरी वीडियो देखी होगी ऑटो वाली, तो उसमें हम वहाँ पर गए थे साईं हॉस्पिटल मुरादाबाद। तो मेरे ना स्तन में गांठ है, तो मतलब उसका चेकअप कराने के लिए गए थे। तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला है 30,000 रुपये चाहिए, 30,000 रुपये ऑपरेशन के लिए। अगर वो साइड में होती तो सुन्न करके निकाल देते, लेकिन वो ना बीच में है, जहाँ से बच्चे को फीड कराते हैं वहाँ से। तो इसलिए ना इतने पैसे लग रहे हैं, पूरा बेहोश करना पड़ेगा उन लोगों को। ये बोलते पूरा बेहोश करेंगे तब जाके आपकी गांठ निकलेगी, और 3-4 दिन आपको यहीं रहना पड़ेगा, इस तरीके से बोला था उन्होंने। और एनीवे, लेकिन हम देखो जितनी हॉस्पिटल जाएँ अलग अलग बात बताते हैं, लेकिन आज हम मुरादाबाद दौर जा रहे हैं, जो एक पुराना डॉक्टर है ना उनके पास। तो उनके पास जा रहे हैं। अगर उन्होंने बोल दिया कि दवाई से घुल जाएगी तो दवाई खाऊंगी, और अगर उन्होंने बोला कि ऑपरेशन होएगा तो फिर देखो उनकी फ़ीस कितनी होएगी ना, कितने में करेंगे वो। अगर वो कम में करेंगे तब मैं ऑपरेशन करवाऊँगी, वरना देखो मेरे पे इतना पैसा नहीं है कि मैं अपना ऑपरेशन करा लूँ, है ना। तुम मेरी फैमिली हो तो अब तुम्हारे साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ। आप लोग मुझसे जुड़े हो, है ना। मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आपको अपनी हर एक बात शेयर करूँ, है ना। फैमिली से हर एक बात शेयर करते हैं। तो मेरे पे इतना पैसा नहीं है जो मतलब मैं उसे वो कर लूँ, हैंडल कर लूँ 30,000 रुपये को ना। तो बच्चे भी है, और फिर देखो परिवार भी होता है, घर भी होता है। तो देखती हूँ, अगर हफ्ते 5-6 में अगर चलो और 10 तक हो जाए तो हम किसी से ले लेंगे उधार ना, हो जाएगा। लेकिन इतना महंगा नहीं करूँगी, और वरना मैं दवाई खाऊँगी। दवाई से घुल गई तो ठीक है, वरना फिर मैं राम नाम पे छोड़ दूँगी, जो होगा देखा जाएगा। बस दादी डांट रही है मेरी विदुषी को। पता है जब ये हुई थी ना, तो किसी ने ढोलक भी नहीं बजवाई थी हमारे वहाँ पे, किसी को खुशी नहीं हुई थी। ये देखो, ये पहला गांव देखा मैंने लड़की के आते ही। कहते, और जब मैं गोदी में लेके आई ना इसको, लड़का हो जाता तो बात ही कुछ और होती। अब देखो ये मेरा लड़का है, देखो भी देखो कैसे खेल रही है, मेरे आंगन को कितना वो कर रही है, और फिर चली जाएगी मुझे छोड़ के। वो तो जीवन की सच्चाई है। ये देखो, अब आपको दिखाऊँ मैं। और मेरे को बर्तन साफ करने हैं। देखो देखो सारा टोफा सब, और सुबह इसने मेरे से चोरी ली थी। एक कपड़े धोने फिर उसी के चाचा के, एक ये है ट्रैक सूट, और मम्मी का सूट टंग रहा है उसके अंदर। ये हमारी गायें हैं, यहाँ हम कुट्टी काटते हैं, और यहाँ पर हम खाना पकाते हैं, जो कि आज मैंने चूल्हा ठंडा कर लिया, क्योंकि हमें हॉस्पिटल जाना है ना। फिर जब वहाँ से आते हैं ना, तो एक तो चूल्हा पता है बिल्कुल जस्ट सामने है, देखो यहाँ से लोग आए यहीं पे नज़र पड़नी है। तो फिर इस वजह से ना हम चूल्हा साफ करके जाएंगे, चोकर लगा के जाएंगे, झाड़ू वाड़ू। अब जब तक मम्मी पापा गोला छीलने के लिए गए, तब तक मैं अपना कपड़े धो लूँ, नहा लूँ, और जी बर्तन साफ कर लूँ, अपना रेडी होना है, विदुषी को भी करना है। और फिर उसके बाद फिर जाएंगे हम। फिर वहाँ से आओ ना, कहीं से अगर सफ़र में से आओ तो थक जाते हैं ना, तो कुछ करने का मन नहीं होता, बस तो ये होता है कि लेट जाओ और चाय मिल जाए। तो ठीक है फ्रेंड, बाय। प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना,
और मेरे चैनल में दिक्कत आ रही है, मेरे से एडसेंस नहीं बन रहा, कोई भी हेल्प के लिए आगे नहीं आ रहा। यूट्यूब वाले बाबा है ना, जैसे वो रात को वीडियो अपलोड करते हैं, उनका टाइम है ना एक अपलोड करने का, मतलब जैसे वो डालते हैं ना, एकदम से फर्स्ट, मतलब फर्स्ट व्यूज मेरा ही जाता है। तो मैंने उनको भी मैसेज कराया, मतलब सब ऐसे ही होते हैं, जो बड़े यूट्यूबर होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा घमंड आने लगता है सबको, और कोई वो नहीं करता मेरे तो हेल्प के लिए। पता नहीं कोई आएगा जो नहीं आएगा आगे, और हंसा दिए होएगा। मुश्किल से 2 महीने और देखती हूँ, फिर मैं वीडियो बनानी छोड़ दूंगी, अगर मेरी कोई हेल्प के लिए आगे नहीं आया तो। पता है मेरे से नहीं आ रहा बनाना, इतने पढ़े लिखे होते हम तो तुमसे हेल्प मांगते, कमेंट का भी जवाब नहीं देते। चलो हज़ारों कमेंट होती है तो बंदा देख नहीं पाता, किसी के रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन फर्स्ट कमेंट अगर मेरी जा रही है, मैं लाइक कर रही हूँ, मैं आपके सारी वीडियो देखती हूँ, सारे चैनलों को सब्सक्राइब कर रखा है मैंने आपके, तब भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे। वैसे तो बड़ा वीडियो में बैठ के डांटते हो कि हमें सपोर्ट नहीं करते, हमारी वीडियो नहीं देखते, उनके चैनल तुम ठीक कर रहे हो, हमारे तो तुम करते नहीं। मैं कोई नहीं, मैं नहीं देखूँगी अब, मेरा मन है वैसे आपसे मिलने का, यूट्यूब वाले बाबा मेरी वीडियो देखना प्लीज़। चलो बाय। विदुषी चुनी नहीं खाना बेटा, देखो क्या कर रही है, देखो विदुषी ले। बाय फ्रेंड, आई लव यू, हैप्पी डे, आप सभी अच्छे रहना, खुश रहना।